सोमवार को जिला कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर जहां बर्फ का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं लाहौल घाटी में भी अब बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पूरे जिला में ठंड भी काफी बढ़ गई है और लोग गर्म कपड़े पहनने के लिए अब मजबूर हो गए हैं। पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो यहां पर भी रोहतांग दर्रा में भी बर्फबारी हो रही है। सोमवार को भी रोहतांग दर्रा का दीदार करने के लिए सैलानी वाहनों के माध्यम से रोहतांग दर्रा पहुंचे थे। वहीं ताजा हिमपात होता देख सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मस्ती की और अपने कैमरे में भी इन पलों को कैद किया। वहीं बर्फबारी को देख स्थानीय पर्यटन कारोबारी में भी अब उम्मीद जग गई है कि दशहरा उत्सव के दौरान सैलानी काफी संख्या में जिला कुल्लू का रुख करेंगे, जिससे यहां पर ठप पड़े पर्यटन कारोबार में भी तेजी आएगी। लाहौल घाटी की बात करें तो कृषि कार्य भी बर्फबारी के चलते प्रभावित हुए हैं। लाहौल के ग्रामीण गंगापौत अर्जुन सिंह निर्मल चंद का कहना है कि अभी भी खेतों में कृषि कार्य बचा हुआ है और बागवानी कार्य भी अभी शेष है। वहीं कुल्लू जिला के डीसी आशुतोष गर्ग ने बताया कि मौसम विभाग के द्वारा कुछ दिनों तक मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोग खराब मौसम के बीच ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करें। बर्फबारी चालू हो चुकी है, ये देखिए स्कीइंग करने वाले भी हैं। बर्फबारी का मजा, अब हल्की हल्की स्नोफॉल भी चालू हो चुकी है, ये देखिए। हल्की हल्की स्नोफॉल चालू है, ये देखिए किस तरह। हल्की हल्की बर्फबारी भी चालू हो चुकी है इस वक्त, ये देखिए, ये देखिए ये कर रहे हैं, सब लोग लाइन में बैठे हुए हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।